अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन मजबूत करना है तो आपको नेमिंग रिएक्शन सारा आना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ ट्रिक भी होना चाहिए, मैं आपसे 6-7 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको कन्वर्जन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला ट्रिक का नाम है इंक्रीज कार्बन चेन। कार्बन चेन को इंक्रीज करना है तो कब किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आपका रिएक्टेंट में 1-2 कार्बन का हो और प्रोडक्ट में मांग रहा है 4 कार्बन का, तब ऐसे में कैसे करेंगे। तो पहला ट्रिक है इंक्रीज इन कार्बन चेन। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, CH4 ले लिया, ठीक है। हमको ये 1 कार्बन का है, ठीक है। हमको 2 कार्बन का चाहिए, कितने कार्बन का, 2 कार्बन का, क्लियर है ना। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप तो Cl2H2 के साथ आप रिएक्शन करके आप इससे क्या कर ले, क्लोरीन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग गया। अब इसको क्या वुड ही रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है क्या, Na dry ink है, ठीक है ना। तो इसमें तो ट्रिक ही बता दिए थे, क्या होता है डबल हो जाता है, इस वाले पार्ट का क्या होता है डबल। फिर से मैं बता देता हूँ, इसको ऐसे लिख देना होगा, चलो ये 2 मोड़ ले लिया, ठीक है ना, और 2Na को यहाँ पर बीच में दिखा लिया, निकाल लिया, तो CH3 बना, हो गया ना 2 कार्बन का, ऐसे कर सकते हैं। तो हमको पता चल गया कि वुड जी रिएक्शन में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन है, वुड जी रिएक्शन। वुड जी रिएक्शन में क्या होता है कि जो जितने कार्बन का चेन होता है उसका डबल हो जाना, ठीक है ना। तो पहले लेकिन यहाँ पर हैलोजन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे क्लोरीन, ठीक है ना। तो पहले इसको इनिशिएट करने के लिए आप इससे रिएक्शन करके आप सिंगल बॉन्ड पे लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल और कर लेता हूँ, जैसे CH3, ठीक है, Cl2H2 डालेंगे तो सिंगल बॉन्ड पे पहले क्लोरीन लग जाएगा, लग जाएगा, फिर वुड जी रिएक्शन करा लेते हैं, Na ड्राई है, ठीक है ना। तो क्या करना है, Cl से जो पार्ट लगा उसका बस डबल कर देना, लो डबल कर दिया, CH2 एक इधर से लाओ और एक इधर से लाओ और दोनों को जोड़ दो, बस CH3 बस 4 कार्बन का हो गया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हमको 1 कार्बन से 2 कार्बन नहीं, इसमें क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑफ आ रहा है, ठीक है ना, 2 का 4 हो जा रहा है, 3 का 6 हो जाएगा, तो इवन नंबर आ रहा है, लेकिन हमको ऑड नंबर कार्बन लाना है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस के लिए ये वुड जी रिएक्शन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं क्या लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे करते हैं, हमको क्या करना है, CH3CH3 ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का हमको लाना है। 2 से अगर 4 लाना है तो हमको पता है वुड जी रिएक्शन करेंगे, लेकिन 2 से हमको 3 ही कार्बन लाना है, 3 कार्बन का लाना है, तब देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले तो हमको तो Cl लगाना जरूरी है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड पे Cl लग जाएगा और यहाँ पे वुड जी रिएक्शन नहीं करेंगे, 3 कार्बन लाना है, तो हम कोरे हाउस लगाएंगे, कोरे हाउस सिंथेसिस, तो इसमें Cu है ना, आई प्लस लिथियम रहेगा और CH3Cl लगेगा, ठीक है ना, ये कोरे हाउस है, ठीक है ना। कोरे हाउस में क्या होगा, फिर ये ClCl हट जाएगा और CH3 इसके साथ जुड़ जाएगा, ये यहाँ से बस ये 3 कार्बन का बन गया CH2CH3, है ना, ये वाला पार्ट को हटा दिया और ये जोड़ दिया, 3 कार्बन हो गया। अगर यहीं पे ये पूरी रिएक्शन होता Na dry ether तो क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाता CH3CH2CH2CH3। तो हमको ये भी पता चल गया, डबल करना है तो वुड जी रिएक्शन, अगर डबल नहीं करना है तो कौन सा, कोरे हाउस लगा के ये हम कार्बन संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे पहला ट्रिक ये था। अब ट्रिक 2 अगले वीडियो में देखेंगे, डिक्रीज कार्बन चेन, उसमें क्या करने वाले।